हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार एक नए फिशिंग वीडियो के साथ में आए हैं। तो आज का जो फिशिंग वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट से हमने किया है दोस्तों। और यहाँ पे आज बहुत सारे एंगलर्स आए हैं आज फिशिंग करने के लिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हैंडलाइन फिशिंग भी हो रहा है और साथ ही साथ रॉड फिशिंग भी हो रहा है। और हमें क्या मच्छी मिलने वाला है देखते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगलर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मच्छी मिलने के चांसेस है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का फिशिंग स्पॉट। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एंगलर्स हैं। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट है दोस्तों। ये देखिए, हैंड लाइन वाले यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं और उन्हें भी अच्छा खासा मच्छी मिल रहा है। देखिए, अभी उन्होंने मच्छी निकाला एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज क्या मच्छी मिलेगा हमें। यहाँ पे हमारे शुभम भाई को कुछ मछली लगा है, जो कि हैंड लाइन पे फिशिंग कर रहे हैं। वाव, कौन सा मच्छी है शुभम भाई? रायगुंड। बहुत ही खूबसूरत सा मच्छी है। देखिए दोस्तों, ये क्या करते हैं, खाते क्या इसको? हाँ, खाते। टेस्टी होता है? बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे दोस्त लोग हैं जो हैंड लाइन पे फिशिंग कर रहे हैं। क्या लगा कि आप फिशिंग कर रहे हैं शुभम भाई? एक कोकेर। अच्छा, ये भी नरम कुरली। अच्छा, नरम कुरली मेंगन पे। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ फाइनली, ये देखिए, हैंड लाइन पे शुभम भाई ने निकाला है तांबोसा। शुभम भाई, कैसा लग रहा है, दिखाओ। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त मच्छी निकाला है शुभम भाई ने हैंड लाइन पे। ये देखिए, ये रहा तांबोसा। मारन गेला कोकेरी, बारीक कोकेर रहे घरे।
तो लोग तुम भी ये मिलके हंसने वालों में शुभम नहीं आया रे मेरे को ऐसा गिज गिज गया ये देख विवेक भाई का फेवरेट कलर देख है काय मित्रांनो आपला विवेक भाऊला मासे गावलाय आता बघू आपण काय मासा भेटलाय हा ये देखिए हमारे विवेक भाई को कोकेर लगा है हाँ कोकेर बगा मस्त मस्त यहाँ पे हमें एक ट्रिवाली लगा है देखिए फर्स्ट फिश फॉर द डे और यहाँ पे हमारे सूरज भाई को भी लगा है मच्छी देख सकते हैं आप उनको भी ट्रिवाली लगा है ये रहा हमारा ट्रिवाली तू किस पे जिक्के पर खेल रहा है वंस अगेन कैसा रे शाह ये क्यों इतना नाच रहा है यार तांबोसा विंबोसा भी ले कर रहे 10 सेकेंड फिश गाइस दूसरा मच्छी हमें मिला है द कोकीर वो बीच में हुक लगा है ना शायद इसके लिए वो हुकअप नहीं हो रहा सूरज भाई फिश ऑन येलो ट्री वैली अरे बाप रे नाइस कैच ऑन अ जिग ओ गिरा गिरा पकड़ उधर जाएगा पानी में ये अच्छा टेस्ट रहता है मच्छी यहाँ पे हमारे केस्टू भाई को अब मच्छी लग चुका है देखिए नाइस नाइस ऋत्विक आगरे बहुत बेहतरीन मच्छी है जबरदस्त फाइट दे रहा है दोस्तों मस्त मस्त हाँ अच्छा साइज वाला कोकेर है हाँ नाइस नाइस नाइस
यस ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले, लीडर पकड़ा। नाइस नाइस सुपर्ब कैच, गुड साइज। ऋत्विक भाई ने निकाला इसको, जबरदस्त साइज था दोस्तों। फिश ऑन, वन मोर फिश ऑन अ जी मैन। फाइनली वी हैव हुक्ड अप अ बिग फिश। क्या पता नहीं यार, मेरा लाइन बहुत पतला है यार, डर लगता है, जाके बैठा रे। क्या खींचने का, खड़प को घस रहा है लाइन, खड़प से बाहर आएगा तो खींचेगा। क्या पता नहीं, खड़प के अंदर घुस गया रे जाके जाके। मच्छी था, मच्छी आएगा अभी देख। पकड़िया को बुलाने का, पी के जाके निकाल बोल के। अच्छा मार रहा है, आजू में मारा एकदम। ऊन जैसा पड़ेगा ना, काटते ही मारते। क्या है पता नहीं यार, बड़ा साइज यार। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ही बड़ा मच्छी स्ट्राइक हुआ है, लेकिन वो पूरा रॉक्स में चला गया है। तो ऐसे समय में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि मच्छी कब रॉक से निकलेगी। और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अगर आपका कभी फ़िश रॉक्स में चला जाए तो आप उसको ज़बरदस्ती ना करें, और ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका लाइन टूट जाएगा, क्योंकि रॉक्स में आपका ब्रेडेड लाइन बहुत ही आसानी से टूटता है। तो आप उसका इंतज़ार करें ताकि वो अपने आप से बाहर निकले। और यहाँ पे मैं कम से कम 10 से 15 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि वो बाहर निकले। इधर पैर के पास मार के भागा सीधा, घर 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 घर। हाँ अभी अभी कहते 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 स्टिल इट्स ये देखिए हमारे आसिफ भाई को मच्छी लगा है, इनका पहला बार का फिशिंग है सॉल्ट वाटर में, फर्स्ट टाइम फिशिंग है दोस्तों। आसिफ भाई यहाँ दिखाए ना, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, सॉल्ट वाटर का मच्छी पहले बार इन्होंने पकड़ा है। रहने दे, टाइट मत कर। नाइस कैच, फिर से हिलाता रहे फिर भी नहीं निकला। तो फाइनली गाइस द फिश इज लुकिंग कमिंग आउट। ओह माय गॉड, फाइनली गाइस ये
Finally, a huge grouper. Beautiful size. तो दोस्तों फाइनली हमने इस ग्रुपर को निकाला है, माशाल्लाह बहुत खतरनाक साइज है। अरे ये कोकेर। और ये रहा कोकेर, सूरज भाई ने निकाला, जबरदस्त साइज है दोस्तों, ग्रुपर फिश। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत ही देर के बाद में इसको हमने निकाला है। ये देखिए बहुत ही देर तक पानी में बैठा हुआ था रॉक्स में जाके, तो फाइनली बहुत पेशेंस के साथ में इसको निकाला है। ज़बरदस्त साइज़ है दोस्तों ग्रुपर, एटलीस्ट 3 to 4 किलो का है। तो देखिए ह्यूज साइज, इधर तो अटक गया आसिफ भाई आपका लाइन। सो गाइज, ये था आज का हमारा जबरदस्त बेहतरीन बिग कैच, जो कि बड़ा ग्रुपर है। और हमें लगा ये जीमैन के व्हाइट पर्ल पे 4 इंच के हार्पेक्स हुक पे, तो बहुत ही जबरदस्त फाइट था दोस्तों। लगभग 10 से 15 मिनट लगे मेरे को इसको निकालने के लिए, पूरा रॉक्स में बैठ चुका था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।